लेक्चर बंक किया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स का टेस्ट था इसीलिए हेलीकॉप्टर बेसमेंट में हाँ बिल्कुल इसके ऊपर हमने पेट्रोल पंप भी बनाया तो इस ये छोटे बच्चे यहाँ भी काफी ज्यादा ओ असीब ये क्या लेके जा रहे हो After successfully bunking the class of computer network, here we are walking on the road. माशाल्लाह इसकी थर्ड ट्राई है 3 मिनट 2 मिनट पहले सेम नहीं हो चुकी यार बस यार चलते हैं आप छोड़ो बस करो चले चला नहीं जा रहा है चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही बहुत ज्यादा चढ़ाई चढ़ी है हम शुद्ध वो मरी बाजार वाली चढ़ाई जो है चढ़ के बाद 36 सीढ़ियां आ गई हैं ये रोड यूबिया को जाता है शायद ये रोड यूबिया को जाता है वो नथिया गली दिखाओ ना नथिया गली दिखाओ ये देखें ये नथिया गली ये सारी नथिया गली ये वाला ये बार होटल हमने बुक कर लिया तो इंशाल्लाह ये पूरे होटल में हम चार लोग सिर्फ रहने वाले हैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये देखे ना पर पूल भी है उसके हाँ जी तो और क्या आ गया इसके ऊपर में हेलीकॉप्टर किधर गया हमारा हेलीकॉप्टर बेसमेंट में ये बढ़िया था गुरु हेलीकॉप्टर बेसमेंट में खड़ा कर दिया हाँ बिल्कुल उसके ऊपर हमने पेट्रोल पंप भी बनाया तो इसके ऊपर बड़ा बड़ी जगह है उसके ऊपर उसके ऊपर हम आप सोच रहे हैं कि वाइटल की एक ब्रांच डाल लें इसके ऊपर ये देखे ना ये चार कनाल जगह है ऊपर और इसके ऊपर हम बनाएंगे इंशाल्लाह वाइटल की ब्रांच भाई मशहूद हम आज लेक्चर बंक किया हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क्स का टेस्ट था इसीलिए तो हमने सोचा कि टाइम फारिग करने के लिए बैक साइड पे एक बड़ा सा बात बताओ ना तुम्हें नहीं था आता है हमें आता था इसलिए हमें ये मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आए तीनों वो चौथा भी है हनीफ कहता है वो गुम हो गया हम उन्हें ढूंढने आए बड़ी अच्छी बात कही आप क्या हाल है आपका लेक्चर बंक करके आपको कैसा महसूस हो रहा है असल साहब दिली खुशी हो रही है इतनी खुशी मुझे दिल गार्डन हो रहा है अच्छा ये एक अच्छा जवाब नहीं था ये वाला प्लॉट एक और प्लॉट आ गया अब ये असद के दादा वो बहरीन से आए थे तो उन्होंने इधर आके अपने बहरी जहाज खड़े किए बिल्कुल असद आप जब भी दही लेने जाते हैं इधर से जहाज निकालते हैं लेने जा अभी पता नहीं जहाज अभी बल्कि वो इनविजिबल है ना आपको नजर नहीं माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ और कोई रास्ता दिखाते हैं ये वाला दिखाओ ये युगांडा ये अपडेटेड इटली है नेक्स्ट जो इटली आ रहा है यार मेरे को जानता नहीं अपडेट हो गया ना ये नीचे ये पहाड़ी के ऊपर ये नीले नीले नजर आ रहे हैं ना आपको ये छोटे छोटे घर हैं छोटे छोटे घर हैं पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हैं नीचे से नजर आ रहा है आप इसे गंद मत समझे हाँ बिल्कुल इसकी दादी माँ के बड़े दादाबू का घर था जीवन पैलेस इसके दादाबू जीवन करते थे इसकी दादी के साथ ये असद की बर्थडे हम पिंग चढ़ा रहे हैं ये देख बड़ा मजा आ रहा है यार पिंग चढ़ाने का भी कसम है ऐसे अब मैं छलांग लगाऊंगा ये देखिए ये देखें ये ऐसे ये हमारे साथ दो बच्चे हैं ये छोटे बच्चे हैं अभी काफी ज्यादा ये हम डिंग डांग ओ यस बॉयज मजा नहीं आ रहा आप लोगों को कैसा फील हो रहा है लेक्चर बंक करने के बाद वो देखो सीपी आ गया ओ असीब ये क्या लेके जा रहे हो